पब्लिकेशन के द्वारा मॉडल टेक प्रैक्टिस सेट लाया गया। टोटल इसमें 20 प्रैक्टिस सेट थे और अभी तक हमने इस चैनल पे इस सीरीज में टोटल 18 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिया है और आज हम 19वां प्रैक्टिस सेट करेंगे। मेनली मैथ के क्वेश्चन करेंगे, तो आपको कहीं भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो नीचे कमेंट में पूछिए और हमारे साथ बने रहिए अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के 2 कोनों से समान आकार के वर्ग हटाए गए हैं, निम्नलिखित शेष आकृति का परिमाप क्या? आप देखिए, तो पहले क्वेश्चन में आप देखिए, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के दो कोनों से यहाँ से आकार के वर्ग, समान आकार के वर्ग हटाए गया, तो निम्नलिखित शेष आकृति का परिमाप, पेरीमीटर निकालना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एरिया में फर्क पड़ेगा, पेरीमीटर में कोई फर्क नहीं। आप देखिए, ये ऐसे होता, इधर भी ऐसे होता पहले, ठीक, अब क्या हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक, ऐसे हो गया, ऐसे, और अब ऐसे हो गया। तो देखिए, ये जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, तो कहने का मतलब ये आपका आ ही गया, जब नया बना है आपने काट के किया तो वो आ ही गया डिस्टेंस। हमें डिस्टेंस से मतलब हो, कैसा शेप हो उससे मतलब नहीं है, ऐसा शेप हो चाहे ऐसा हो, ये भी 50 मीटर का हो सकता है, ये भी 50 मीटर का, उससे हमको मतलब नहीं है यहाँ पर, तो मतलब सेम ही रहेगा। तो इसी तरह 8 × 4 कर दीजिए, 32 का आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, 95.75 एवं इतना, एक गुणनफल में दशमलव के दाईं ओर अंकों की कितनी संख्या हुई, अंक दशमलव ये है, इसके दाईं ओर कितनी संख्या हुई, तो वो कितनी संख्या हुई आप देख सकते हैं, 1 है 2 है, इधर 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 संख्या हो जाएगी आपकी। 312 रुपये की धनराशि को 100 लड़कों एवं लड़कियों के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक लड़के को 3.6 रुपये और प्रत्येक लड़की को 2.4 रुपये मिलते हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी, आप देखिए इसको थोड़ा सा मान लेते हैं आप, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना लड़कियों की संख्या, ठीक ना, तो सीधा लड़की की संख्या को x मानेंगे, ठीक, ताकि आंसर जो x आए ना सीधा सॉल्व करने से, तो सीधा सॉल्व करने से जो आंसर है वही आपका वो हो जाए, तो x लड़की है, x तो 100 - x, एक्स लड़की है तो 100 - x लड़का हो जाएगा, एक्स लड़की और 100 - x बॉय हो जाएगा, गर्ल है, ठीक। अब देखिए, क्वेश्चन में बोल रखा है कि 2.4 एक एक लड़की को मिलता है रुपए, तो 2.4 × x नंबर ऑफ, एक लड़की को 2.4 मिलता है और एक्स लड़की है, तो टोटल इतने लड़कियों पे खा गई पैसा खा गई, अब लड़का कितना खाने वाला है देख लीजिए, 3.6 एक लड़का को खा रहा है, तो और 100 - x नंबर ऑफ लड़का है, ठीक, तो टोटल लड़का खा गया इतना, लड़की खा गई इतना, तो इक्वल टू कर दीजिए 312, ठीक। तो कहने का मतलब इसको और आराम से करके लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, टू पॉइंट फोर एक्स प्लस 3.6 100 - x इक्वल टू 312, तो 2.4x प्लस ये 3.6 × 100 हो जाएगा 360 -3.6x इक्वल टू 312। अब ये 312 को इधर लेकर आइए, 360 -312 इक्वल टू ये इसको और इसको उस साइड ले जाइए, 3.6x -2.4x ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.2 और ये हो जाएगा आपका 38, 38 के बाद 48 आता है, तो ये 1.2 और ये 48, तो कहने का मतलब 48 और 1.2x, तो 1/10 = 12 × 48, तो x हो गया आपका 40, लड़कियों की संख्या 40 है, इसका आंसर 3 आ जाएगा। 3 वर्ष पूर्व ए और बी की उम्र, औसत उम्र 18 वर्ष थी,
सी के शामिल होने पर औसतन 22 वर्ष हो जाती है। सी की वर्तमान उम्र क्या होती है? अब देखिए यहाँ पे बल्कि स्पष्ट किया नहीं है, इसको करना चाहिए था। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व लिख दिया, यहाँ पे सी के शामिल होने पर औसत उम्र 22 हो जाती है। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, पर यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व के साथ ये सेंटेंस है, बस ये सेंटेंस अलग है। तो मतलब ये आज के बारे में चर्चा कर रहा है, सी के शामिल होने पर औसत, ये आज की चर्चा, आज की ठीक। तो 3 वर्ष पूर्व ए और बी की उम्र हो जाती है, ठीक ना। ए और बी का उम्र का औसत है 18। 3 वर्ष पूर्व मान लीजिए आज का उम्र ए का ए, बी का बी और आज का उम्र सी का सी है, ठीक। ए और बी और सी का, तो ए प्लस बी का उम्र ए माइनस 3, आज का उम्र क्या है ए का माइनस 3 है, बी का प्लस, बी का माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, उस समय कितना औसत था 18 था। तो ए प्लस बी आज का उम्र माइनस 6 इक्वल टू 36, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, आज का उम्र कितना हो जाएगा 36 प्लस 6, आज हो जाएगा उम्र ए प्लस बी इक्वल टू 36 प्लस 6 42, आज के दोनों का उम्र का सम 42 है। अब देखिए सी भी शामिल हो जा रहा है आज में, ए प्लस बी प्लस सी बटा 3, तो औसत उम्र हो जा रहा है आपका कितना हो जा रहा था 22 वर्ष हो जा रहा है। ए प्लस बी हमने निकाल लिया 42, तो ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 3 इक्वल टू 22। ए प्लस बी हमने यहां से 42 पुट कर दिया, प्लस सी और 3 टू 22, 3 इज टू 22, तो ये 66 हो जाएगा। तो सी की उम्र कितना हो जाएगा 66 माइनस 42, तो ये आ जाएगा 4 2 6 24 आ जाएगा, ठीक 24। सी की उम्र आ जाएगी 24, हमें निकालना क्या था, सी का वर्तमान उम्र तो 24 वर्ष हो गया, ठीक। 5% कमीशन की कटौती के बाद एक टेलीविजन सेट का मूल्य कितना पर हो जाता है, तो उसके अंकित मूल्य क्या था, तो मार्क्स मार्केट प्राइस कितना, मार्केट प्राइस वही अंकित मूल्य होता है। तो 5% कमीशन की कटौती होगी, कटौती होगी मतलब 5% छोड़ दिया गया, और 95% तो मैंने आज का जो बेचा गया कितने में मिला है, 95% बेचा गया, 95% एक्चुअल मल्टीपल, 100% में नहीं बेचा गया, 95% पे बेचा गया, ठीक ना। तो यही है 95% ऑफ मार्केट प्राइस, ऑफ मार्केट प्राइस वो दिया हुआ आपको 95, ठीक। मतलब 95/100 इंटू मार्केट प्राइस इक्वल टू 95, कहने का मतलब ये कट गया 101 से, ठीक। और मार्केट प्राइस कितना, 101 इंटू 100, ठीक। ये आंसर हो जाएगा 101 इंटू 100, मतलब चौथा नंबर आंसर हो जाएगा इसका। छठा क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज कुल 110 रन बनाता है जिसमें 3 चौके एवं 8 छक्के शामिल हैं, उसने कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ लगाकर बनाया है, तो कुल स्कोर में कितना। तो देखिए 110 रन बनाया, चौके से वो कितना रन बनाया, 3 चौके मारा तो इंटू 4 कर दिया, प्लस छक्के से कितना रन बनाया, 8 इंटू 6 कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 12 प्लस 48, मतलब 60 रन। तो 60 रन चौके छक्के से बनाया, टोटल रन कितना था 100 110, टोटल रन 110, 60 रन चौको छक्को से बना रहा है, उसके अलावा मतलब सिंगल या डबल से बनाया होगा, तो ये बन गया 50। तो 50 रन वो दौड़ के बनाया है ना, दौड़ के बनाया 50 रन वो दौड़ के बनाया, प्रतिशत आपको निकालना था प्रतिशत, तो 50 रन वो दौड़ के बनाया और टोटल रन बनाया कितना 110 इंटू 100 कीजिएगा, तो ये प्रतिशत आ जाएगा आपको 0 से 0 कट गया और 500/11, ये होता है 11 चौके 44 और 6 बज गया 60, 11 5 55 5 45 5/11, एक नंबर आंसर हो जाएगा इसका। सातवां क्वेश्चन, एक विक्रेता अपने सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक रखता है एवं अंकित मूल्य
₹10 की छूट देकर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना? देखिए, कोई विक्रेता है, एक होता है खरीदा है पहले, तो चार इन तरह के प्राइस होते हैं, कॉस्ट प्राइस। एक होता है खरीदने का क्रय मूल होता है, जो उस जो सामान खरीदा। फिर होता है एक मार्केट प्राइस होता है। मार्केट प्राइस क्या होगा, जैसे दुकान में आपको जो दिखता है मार्केट प्राइस, वो मार्केट प्राइस होता है। अब उसमें क्या क्रॉस जिसने उसने ख़रीदा मार्केट प्राइस हुआ, ठीक। और बेचने के वक्त जो आप ख़रीदने जाते हैं उस पर कुछ लिखा होता है, लेवल होता है ना, उसको मार्केट प्राइस बोलते हैं। और इसमें कुछ डिस्काउंट दे दिया जाता है, तो ये होता है। डिस्काउंट देने के बाद जो बचा ना, वही सेलिंग प्राइस होता है। एक्चुअल में हम नॉर्मली इसको डायरेक्ट करते हैं, पर बीच में ये मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस भी आता है ना, बीच में मार्केट प्राइस और डिस्काउंट भी आ जाता है, क्योंकि हम डिस्काउंट दे के सेलिंग प्राइस दिखाते हैं। क्या कि हम कॉस्ट प्राइस था, मार्केट प्राइस थोड़ा बढ़ा दिए, इसको ₹20 बढ़ा दिए, 20% बढ़ा दिया, डिस्काउंट दिखा दिए 10%। तो देखिए, देखने वाला तो समझेगा 10% है, पर 20% बढ़ाते हैं, 10% डिस्काउंट दिए हैं, आज सेलिंग प्राइस मतलब 10% का प्रॉफिट हो गया नेक्स्ट। तो यही होता है। तो यहाँ पे दे रखा है सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, मतलब मार्केट प्राइस जो है ना 20% अधिक है, तो मतलब 120% है। 120% को क्या लिखे, 120 × 0 किसका, क्रय मूल्य से होगा ज़्यादा। तो ये हो जाएगा आपका 12/10 ही लिखिए फिलहाल, तो यही लिखिए 12/10 कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस है। अब उसने क्या किया, अंकित मूल्य पे वो 10% की छूट दे दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत निकाल लिया। तो कहने बस सेलिंग प्राइस कितना दे दिया, वो अंक ये मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट एक तरह से डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट कितना 10% का दिया, मतलब मार्केट प्राइस का 90% पे ही बेच दे रहा है वो, 10% छोड़ दिया तो 90% बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 90% ऑफ मार्केट प्राइस, ठीक। तो ये हो गया 9/10 ऑफ मार्केट प्राइस इनटू ये 12/10 कीजिए ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक। तो ये आ जाएगा 12 होता है आपका, 12 कितना होता है 108/100 ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक। तो आपको देखने में लग रहा है 108/100 ना, एक से ज़्यादा बड़ा नंबर है, तो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा भी बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस प्रॉफिट कमा रहा है, वो लाभ कमा रहा है। क्वेश्चन में दे रखा है ऐसे लाभ कमा रहा, तो यहाँ पर ले लाभ कमा रहा। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 108/100 है। इसी को तो ऐसे लिख सकते हैं 100+8/100 कॉस्ट प्राइस, यही तो होता है 8 जो होता है, यही क्या है मतलब प्रॉफिट है उसको, 8% का प्रॉफिट है, यहीं से निकाल लीजिए, या आप वैसे करके निकालिए सेलिंग प्राइस, या उस फॉर्मूले वहाँ के बाद ऐसे भी कर सकते हैं SP - cost price / cost price × 100, ये भी कीजिएगा तो वही आंसर है, मतलब वहाँ पे आप देख लीजिए डायरेक्ट 8% निकल जाएगा आपका। ए एक काम को 18 में कर सकता है, बी उस काम को 15 में कर सकता है, बी ने 10 काम किया वो छोड़ दिया, ए कितने दिन में शेष काम को करेगा ना। देखिए, ए एक काम को 18 में कर सकता, ए लिया आया वो 18 में कर दिया, मतलब एक दिन में कितना कर रहा है वो, 18 कर रहा है एक दिन में। बी एक दिन में कितना कर रहा है, 1/15 कर रहा है, ठीक। बी ने 10 काम किया एवं छोड़ दिया, ए कितने दिन में शेष काम करेगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है कि ए और बी शुरुआत किया है एक साथ में, पर बी बस शुरू में क्या किया, 10 काम किया, तो बी 10 में कितना काम कर देगा, एक दिन में वो इतना कर रहा है 1/15, 10 में कितना करेगा, 10/15 काम कर देगा, तो 2×5 = 10 इतना काम कर देगा, तो शेष कितना काम बच गया, 1 - 2/3 काम बच गया, मतलब 1/3 काम बच गया, और ये 1/18 कर रहा है। देखिए, ये 1/18 एक दिन में कर रहा है, ये 1/18 एक दिन में कर रहा है, और बचा हुआ काम कितना, 1/3, ठीक। तो हमें क्या मान लीजिए 5x में कर रहा है, तो x × 18 एक दिन पूरा कर दे रहा है काम बचा हुआ, तो x × 18 कितना हो जाएगा, 1/3 काम जो बचा हुआ है एक दिन में वो 1/3 काम कर दे रहा है, तो x × 18 टोटल काम वो कर दे रहा है, तो x = 6, तो 6 दिन में वो टोटल काम कर देगा ना, 6 दिन में वो टोटल काम कर देगा, इसका यही मतलब है, तीसरा आंसर हो जाएगा इसका। 9वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का पहला 180 किलोमीटर भाग 45 किलोमीटर के अंदर चाल से, दूसरा 100 किलोमीटर भाग 90 किलोमीटर पर जाता है, पूरी दूरी की यात्रा का औसत चाल दिया है। देखिए, औसत कभी भी होता है ना,
औसत जो होता है ना, अब स्पीड स्पीड नहीं होता, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये होता है एवरेज स्पीड, ठीक ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब देखिए, मतलब पूरा समय और पूरा डिस्टेंस, पूरा दूरी, दूरी तो निकल जाएगा, पूरा दूरी दे रखा है। पहले वो 180 चल रहा है, पहले वो 180 चल रहा है, फिर चल रहा है वो, फिर से वो 180 चल रहा है, तो ये 360 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। तो पर टोटल टाइम हमें निकालना पड़ेगा। अब टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले वो 180 चल रहा है, कितने स्पीड से चल रहा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये पहले टाइम लग गया उसको, घंटा में आ जाएगा। फिर दूसरा डिस्टेंस बाय टाइम, क्योंकि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना, इतना घंटा हो जाएगा, टोटल घंटा इतना आ जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये है 45, ये 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 2, मतलब 6 घंटा लग रहा है। टोटल डिस्टेंस कितना था, 360, और घंटा लग रहा है 6 घंटा, तो 360 और टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम कितना है, 6 आवर। ये हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड, औसत चाल, तो 60 मिनट कट जाएगा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत चाल हो रहा है। 10वां क्वेश्चन है, एक 7200 रुपये की धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से कितने वर्षों में 3600 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होगा, ठीक। अब देखिए, आपको दे दिया है धनराशि, मतलब प्रिंसिपल दे रखा है, मूलधन दे दिया है प्रिंसिपल 7200 रुपये, रेट दे दिया है 10%, कितना प्रति वर्ष दे दिया, तो अच्छी बात है, और इंटरेस्ट आपको कमाना है, सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना कमा रहा है, 3600। और ये क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बट्टा 100, और टाइम आपको निकालना है, वही समय निकालना है, समय आएगा यहाँ से साल में, तो करिए 3600 इक्वल टू 7200 इंटू रेट कितना है, रेट आपका 10 है, बटा 100 इंटू टाइम, टाइम जो साल में आएगा, क्योंकि ये ठीक ना साल में आएगा। अब काटिए इसको 3600, तो ये 2 मरते कट जाएगा, ठीक, और ये 1 0 चला गया, 2 5 10, ठीक, तो टी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना, टाइम हो जाएगा 5 साल, तो टाइम यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, 5 साल हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, एक पहिए की त्रिज्या 0.7 मीटर है, उसके द्वारा 10 चक्र में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा। अब देखिए, एक पहिया है, ये कोई रास्ता है, अब वो चलना शुरू किया, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, अब ये चलना शुरू किया इस डायरेक्शन में, ठीक, कुछ समय बाद क्या पॉइंट होगा, देखिए, ये पॉइंट अगर ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है चक्का, ऐसे ऐसे घूमेगा तभी वो आगे चलेगा, है ना, पता होना चाहिए, ठीक है, ऐसे घूमने से ही आगे चलेगा ये पॉइंट क्या होगा, कुछ समय बाद यहाँ आ जाएगा ऊपर, कुछ समय फिर यहाँ आ जाएगा, कुछ समय फिर यहाँ आ जाएगा, और फिर कुछ समय बाद नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इस क्वेश्चन में, ये जो पॉइंट है ना, जो घूमते घूमते यहाँ आ गया, फिर से यहाँ से स्टार्ट किया, ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया, फिर से यहीं पे आ गया, ठीक, तो ये कितना डिस्टेंस कवर हो गया होगा, देखिए ये गया 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 गया, यहाँ पे फिर आ गया, है ना, तो मतलब ये पूरा सर्कमफेरेंस जो एक चक्कर है ना, ये काट रहा है, यहाँ से ऐसे गया घुमा, ठीक, घूमते घूमते यहाँ आया, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो पूरा एक चक्कर में जो ना यहाँ से यहाँ तक टोटल ये कितना डिस्टेंस कर रहा है, ये अपना सर्किल के सर्कमफेरेंस, मतलब कि उसका जो चक्कर, जो बाउंड्री है ना, उस टोटल बाउंड्री के बराबर एक चक्कर में चक्कर खाया, तो 10 चक्कर में क्या इंटू 10 कर देंगे, तो एक चक्कर में कितना खाएगा, एक चक्कर में टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा, टोटल दूरी कितनी तय होगी, 2 पाई आर,
तो 2πr उसका सर्कमफेरेंस होता है। परिधि होता है परिधि 2πr, 2 × π 0.7 दे रखा है इन्होंने, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 2 × π, ऐसे लिखे 22/7 × 0.7, इसको काटिए, 7 से 7 कट गया, 10 नीचे आ जाएगा ना, ये 44 है, ये 10 है, तो आपका आ गया 44/10। और 10 चक्कर है, एक चक्कर में इतना आ गया, 10 चक्कर में × 10 कर देंगे तो ये 10 10 कट जाएगा, 44 बच जाएगा, मतलब 44 मीटर दूरी तय कर रहा है। 11वां क्वेश्चन का 44 मीटर सही हो जाएगा आंसर, एक नंबर है इसका आंसर। 9 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा, तो इंटरेस्ट 9000 है ना, इंटरेस्ट क्या होता है, P × R × T/100। पी मूलधन दे रखा है 9000 रुपया, 2 समय और 9%, तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 9000 × 9 × 2/100, ठीक। 100 से 100 कट गया, 90 बचा ये, और ये कितना है, 2 है, 9 × 18 है, 18 × 90, 18 नंबर 1 नंबर इसका आंसर, A162 होता है, 1620 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। इन सभी का योग क्या होगा, है ना, योग निकालना, 13वां का योग निकालना आपको। तो देखिए पहले शून्य दशमलव के बाद कितना सबसे ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा 7 है, 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 7 है, फिर इसके बाद कोई 7 नहीं तो 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 7 है, ठीक, यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर इधर आ जाइए 7 है, फिर यहाँ पे 7 आना चाहिए, ये 7 आना चाहिए, फिर यहाँ पे 7 ही है, तो मतलब सब 7 7 7 7 7 7। किसी टेस्ट में सीता ने गीता से 10 अंक अधिक पाए, उसी टेस्ट में रामकली ने सीता से 6 अंक अधिक पाए, ठीक। यदि उस उनके कुल प्राप्त अंक 158 है, 158 है, तो रामकली द्वारा प्राप्त अंक कितने थे। अब देखिए किसी टेस्ट में सीता ने गीता से 10 अंक अधिक, अब मान लीजिए सीता का मार्क्स है एस और गीता का मार्क्स है जी, तो सीता माइनस गीता का कितना है 10, दोनों का डिफरेंस 10 है, क्योंकि सीता को 10 अंक ज़्यादा मिले हैं गीता से, ठीक ना। उसी टेस्ट में रामकली ने सीता से 6 अंक अधिक पाए, रामकली है उसका सीता से 6 अंक ज़्यादा है, तो R-S 6 हो जाएगा। यदि उनकी कुल प्राप्त अंक 158 है तो रामकली द्वारा होता है, ये बोल रहा है तीनों का प्राप्त अंक 158 है कुल, है ना, तो कहने मतलब आर रामकली प्लस एस सीता प्लस गीता 158 है। तो देखिए इसमें आराम से सॉल्व हो जाएगा, आपको ये दोनों इक्वेशन से ये दोनों इक्वेशन को प्लस कीजिए, प्लस तो ये ऐसे ऐसे कट जाएगा, ठीक ना, आर माइनस जी बचेगा, ये हो गया 16, ठीक, आर माइनस जी बचेगा 16, ठीक। अब इस दोनों को प्लस कीजिए, इस दोनों को प्लस कीजिए तो क्या बच जाएगा, 2R + S, और जी से जी कट जाएगा, प्लस जी माइनस जी कट जाएगा, इक्वल टू 158 + 16, तो 8 6 14, 5 1 6 1 7, 174, ठीक। अब देखिए फिर इस वाले और इस वाले इक्वेशन में देख सकते हैं आप, ये इक्वेशन जो आया अभी और ये इक्वेशन में देखिए, ये दोनों को प्लस कीजिए, कर दीजिए दोनों को प्लस कीजिए, कीजिएगा ये 3R हो जाएगा, ये प्लस एस माइनस एस कट जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, तो कहने का मतलब 3R = 174 + 6, 3R = 174 + 6 = 180, आर कितना हो गया 60, मतलब आर को प्राप्त हुए थे 60 मार्क्स। अब देख तो रामकली को कितना था, हाँ तो रामकली का ही पूछ रहा था, 60 नंबर मिल गया उसको। 15वां क्वेश्चन है, चार्ट का अध्ययन करके नए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब देखिए विद्यार्थी द्वारा गणित तथा विज्ञान में कुल प्राप्त अंक कितने होंगे, द्वारा गणित और विज्ञान, अब देखिए ये गणित का है
और ये विज्ञान का है, गणित का दे ही रखा है इन्होंने 40 और विज्ञान का इन्होंने दे दिया 30 35, तो 40 प्लस 35 तो 75 अंक हो जाएंगे इनके। एक सौ चौवालीस तथा 132 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, 144 और 132। अब देखिए 144 का निकालिए, अब आपको याद होगा ये स्क्वायर है किसका, 144 स्क्वायर है 12 का स्क्वायर, तो ऐसे लिखिए 12 को 3 इंटू 4 लिखिए स्क्वायर, इसको लिखिए 3 इंटू 2 स्क्वायर की पावर 2, फिर तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 144। ठीक, अब आगे एक क्या था दूसरा नंबर 132, तो इसको सीधा लिख देते 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर 144 पर, ठीक 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो याद है ना उसको यूज़ कीजिएगा ना, तो जो याद है वो और ज़्यादा याद हो जाएगा और ये फटफट होगा, एग्जाम में बैठ के फैक्टर निकालिएगा तो थोड़ा मुश्किल होता है। और जैसे 132 है इसको निकालिए, ये थोड़ा कॉमन नंबर नहीं है तो इसको निकाल सकते हैं आप, 2 से निकालिए, 2 से निकाले तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, फिर 2 से कीजिए तो हो जाएगा 22, फिर 2 से कीजिए ये हो जाएगा 11, तो ये 132 क्या हो गया 2³ × 11। अब हमें क्या निकालना था, महत्तम समावर्तक एचसीएफ निकालना था, ठीक। अब एचसीएफ निकालना है, यहाँ पे देखिए कॉमन सबसे कम पावर वाला कॉमन कौन सा है, 2³, 11 तो कॉमन है नहीं तो छोड़ देंगे, 39 उसका कॉमन है तो 8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, इसका मतलब चौथा इसका आंसर है, फोर्थ नंबर। 1620 का अभाज्य गुणनफल क्या होगा, देखिए जो दिया है ऑप्शन उसके हिसाब से चलिए, खुद से निकालिएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, फटाफट अगर आपको आता है तो 5 6 15, हमेशा अगर 5 कहीं पे दिया हो ना उससे स्टार्ट कीजिए, है ना, ताकि ये चीज़ें होता है आसान। देखिए 5 3 15 और दूनी कीजिए 15 3 15 × 30 हो गया, बात खत्म, ये 30 ऐसे हो गया, 3 3 9 2 18 18 × 30 540 आएगा, तो ये होने नहीं वाला है, 540 ये आ गया, पहला वाला आ गया 540, ये लिखिए क्यों बताऊँ, इसी में थोड़ा सा प्लस माइनस होने वाला, देखिए 3 यहाँ पे बस एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, अदरवाइज ये और ये सेम है, बस 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो इसमें 3 का गुना कीजिए तो क्या आता है 1620 0 4 3 12 5 3 15 116, तो 1620 आ गया, मतलब 2 आंसर हो गया। कहने वाले यहाँ पर यूज़ करना है, यहाँ पे क्योंकि इसको यूज़ किया हमने दूसरा में, पहले वाले को यूज़ किया है, तो ऐसे क्वेश्चन में ये भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। अब ये है से कितना अधिक है, 6 7 8 से कितना अधिक है, ये बोलना है तो कितना अधिक है तो माइनस कर देंगे, छ 7/8 से कितना अधिक है, मतलब 6/6/7/8, ठीक, तो ये हो जाता है 6 × 8 हो जाएगा 7 माइनस 6/7 × 8, ठीक, तो इन दोनों का नीचे एलसीएम आ जाएगा कितना 7/8 आ जाएगा, एलसीएम 7 × 8, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 6 × 8 × 8 माइनस 6, ठीक, यहाँ पे एक और चीज़ देखिए थोड़ा और आसान हो जाएगा, ये जो है ना 3 × 6 × 4 × 8 कट जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा माइनस 3/28 हो जाएगा, ठीक ना, तो 48/7 माइनस 3/28 तो इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, तो 48 × 4 − 3 तो 48 × 4 कितना होता है 96 96 6 12
48 गुने 4 कीजिए, 8 चौके 32, 3 चार 12, 3 16 कितना हो जाएगा, 162 बट्टा माइनस 3 बट्टा 28, तो 159 बट्टा 28। ये 4 चौका 16, 8 चौका 32, ये 19 हो जाएगा, 192 माइनस 3 तो 189 बटा 28, तो ये इंटू कीजिए तो 28 दूने ये हो जाएगा आपका 6 मरते 28 गुने 6, 8 छः 48, 4 छः दूने 12, 4 16, 168 प्लस 21 तो मतलब 168 28 21 ऐसे लिखिए, तो फिर ये 3 और 7 कट जाएगा, 3 7 3 1 तो मतलब 168 3/4, 168 3/4 इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी 6 मरते कट रहा था ना, 6 हो जाएगा तो 6 3/4, ये कितना रूट होगा इसके बराबर हो जाएगा ना। अब देखिए तो पहले सॉल्व कीजिए, इसको कीजिए सॉल्व, 7 चौका 28, 4 दूनी 4 और 3 32, 8 चौका 32 इंटू 3, तो ये कितना 18 36 54, 7 3 21, 21 54 माइनस 14 26, तो ये हो जाएगा आपका 26 दूनी 54, और 14 7 21, ये 726 बचेगा है ना, ये सॉल्व करने पे 726 बन जा रहा है। अब देख लीजिए 28 रूट एक्स इक्वल टू 726, तो ये भी कटेगा अभी 28 रूट एक्स मान लीजिए वहाँ पे 726, 728 28 और ये है 13 चौका 728 आएगा है ना, 728 आएगा, उसको माइनस करने पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, देख लीजिएगा 728 आएगा ये, और देखिए इसमें इसको काटिए तो ये बन जाएगा आपका 728 एक और 3 2 8, तो 8 3 24, 18 36 54 हो जाएगा, 7 3 21, इसको इसको माइनस कीजिए, 1 4 2 6, तो ये आ जाएगा आपका 7 2 8, 728 आ जाएगा, और 28 रूट एक्स इक्वल टू 728, तो 7 मरते कट जाएगा ये, तो मतलब 4 7 28 104, 104 हो जाएगा, 4 2 8 2 2 24 हो गया, 6 4 24, तो रूट एक्स इक्वल टू 26, रूट एक्स इक्वल टू 26 है, तो एक्स इक्वल टू क्या 26 स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, या तो इंटू कर लीजिए या पता है तो ठीक है, 676 हो जाता है, एक एम नंबर आंसर हो जाता है। 20वां क्वेश्चन, ए और बी से दुगुना दक्ष है, ए बी से दुगुना दक्ष है, मतलब कि एफिशिएंसी उसकी दुगुना है, दोनों मिलकर एक काम को 18 दिन में करते हैं, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करता है। देखिए मान लीजिए बी कोई काम को एक्स दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/x, एक दिन में 1/x कौन करेगा, बी, ठीक ना, ए कितना करेगा, 2/x, 2/x करेगा ए, और 1/x करेगा ए बी, क्योंकि एक्स दिन में वो काम को कंप्लीट कर दे रहा है, तो एक दिन में वो कितना कर रहा है, 1/x, एक दिन में कंप्लीट कर दे रहा है, तो एक दिन में 1/x करेगा, ठीक, 1/x कौन कर रहा है, बी कर रहा है, तो उसके दुगुना करेगा ए कर देगा, और दोनों मिलकर
काम को 18 दिन में पूरा कर दे, तो दोनों 18 दिन में पूरा कर दे रहा है, तो इंटू 18 करेंगे, मतलब इंटू 18 कर देंगे और दोनों मिल के कर रहा है तो इक्वल टू 1 पूरा काम का हो जा रहा है। ठीक ना, कहने का मतलब एक दिन में बी इतना कर दे रहा है, उसका दुगुना कर दे रहा है ए। ठीक, तो दोनों को प्लस कर दिए, ये दोनों एक दिन में साथ में इतना काम कर देगा, है ना, एक दिन में, और 18 दिन में इतना कर देगा, और 18 दिन में क्या कर देगा, पूरा काम कर देगा, मतलब एक के बराबर कर देगा काम। तो यही हो गया 18 इंटू 3 बाई एक्स इक्वल टू 1, तो 18 दिया 54, तो एक्स जो है ना, मतलब एक्स मतलब बी एक दिन, बी कितना दिन में कर रहा है, 54 दिन में कर दे रहा है, तो ए कितना दिन में करेगा, उसके आधा दिन में कर देगा ना, क्योंकि दुगुना वो अति है, एफिशिएंसी वो ज़्यादा है, तो 27 दिन में ये कर देगा। तो ये आंसर इसका चौथा का यही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान एक ट्रेन एक खंबे को 9 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। अब देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है वो, और 9 सेकंड में वो पार कर जाता है ना, 60 किलोमीटर से चल रहा है, 9 सेकंड में वो पार। तो देखिए ट्रेन ये खंबा है, मान लीजिए 60 किलोमीटर चल रहा है, ये ट्रेन स्टार्ट किया, ऐसे आया, इसको टच किया, जस्ट टच किया, फिर लास्ट में क्या होगा, ये छोड़ देगा इसको, ये ट्रेन यहाँ चल जाएगा आगे, ये ट्रेन ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे, ये यहाँ पे टच कर दिया। कहने का मतलब सब देख रहे हैं, ये चल रहा है, ये मान लीजिए ट्रेन है, ये चला, ट्रेन ये खंबा था, ट्रेन आया, इसको टच किया, ट्रेन आया टच किया, फिर ट्रेन आ गया, निकलते 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 यहाँ आ गया, और इसका पिछला यहाँ टच किया, तो कहने में इतना टोटल टच कर ये, इसको पार करने में मतलब ये पूरा जब पार हो जाएगा आगे से लेके पीछे तक, तब उसको बोला जाएगा ये पूरा पार हो गया। तो पूरा पार हो गया मतलब वो जितना 9 सेकंड में इस आदमी को, इस खंबे को क्रॉस करा, मतलब 9 सेकंड में कितना वो पूरा अपना लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर कर दे रहा है ना, खंबे के सामने वो लंबाई के बराबर डिस्टेंस कर दे रहा है, मुंह से लेकर पीछे तक। ठीक ना, यही हमें दे रखा है, इसने 60 किलोमीटर पर स्पीड दे रखा है, घंटा में दे रखा है, तो इसको पहले हम 5/18 करके मीटर पर सेकेंड में करेंगे, और टाइम कितना दे रखा है इन्होंने, 9 सेकंड दे रखा है ना, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी इसके बराबर हो जाता है, डी डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड आपका ये दे रखा है इन्होंने, और टाइम 9 सेकंड दे रखा है, तो इसको कीजिए इनटू, तो टाइम कितना हो जाएगा, 60 × 5/18 × 9 सेकंड, तो 9 से 2 * 18 ये 30 हो गया, ये 150 आ गया, तो टाइम इसको 150 सेकेंड लग रहा है, 150 सेकेंड, तो ऑप्शन में क्या दिया है, सॉरी 150 मीटर आ जाएगा डिस्टेंस, तो 150 मीटर आ गया, सही बात है। 21 का 2 नंबर आंसर है, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता होना चाहिए, दे रखा अभी यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है, ये नॉर्मली नहीं देता है, ये याद करके रख लीजिए। ठीक, आपको फ़ारेनहाइट दे दिया यहाँ पे, 221 पुट कीजिए, -32, ठीक ना, और 5/9 से इंटू कीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा आपको, जो भी आंसर होगा नाम से आ जाएगा, यहाँ तो फार्मूला ही दे रही है, बस वैल्यू को पुट करके निकाल लेना है आपको, नहीं तो इसको याद कर करके 5/9 f-32, बस इतना याद रखिए, फ़ारेनहाइट में जो वैल्यू होता है ज़्यादा होता है ना डिग्री से। 7 4/10 9/10 9/100 ये कितना समतुल्य है, तो ये कितना आ जाएगा 0.4, ये कितना आ जाएगा 0.09, ये कितना आ जाएगा 0.008 आ जाएगा, सबको ऐड कर दीजिए, यही आपका आंसर होगा, तो 7.498 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर, 24वां क्वेश्चन है, देखिए 3 घंटियां क्रमशः 12, 15, 18 मिनट के अंतराल में बजती, यदि वे 9 बजे एक साथ बज रही तो कब एक फिर एक साथ बजेगी, 12, 15, 18 अब देखिए
ये फिर कब एक साथ बनेगी पता है आपको, जब ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल से जाएगी, मतलब कोई ऐसा समय आएगा जिसको जो ये इसका गुना हो, सबका गुना हो, सबका गुना मतलब 12 का कोई गुना हो, 12 25 18 होगा, 15 चौका 18 होगा, मतलब है ना, और 18 गुण भी वो आना चाहिए, वो नंबर ना 18 गुना करने पे भी आना चाहिए वो, ऐसा नहीं कि बस 2 का गुना हो गया, जैसे 60 ले लिए तो क्या हो गया, 12 का गुना हुआ 4, 15 का गुना भी 12 25 60 हो गया, 15 चौका 60 हो गया, पर 18 गुना नहीं है तो मतलब 60 पे नहीं बजेगा, 18 ये वाला घड़ी नहीं बजेगा, ये दोनों तो बच जाएगा तो 60 पे, मतलब दोनों कॉमन नहीं बज रहा है, 12 और 15 एक साथ बज रहा है, पर 18 मिनट पे जो बज रहा है घंटी घंटी वो 60वें मिनट पे नहीं बजेगा, ठीक ना, मतलब कब बजेगा, तो ये तीनों का जो एलसीएम होगा ना उस समय बजेगा, जाके लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पर बनेगा, मतलब ऐसा नंबर होगा, ऐसा समय होगा जो सब तीनों का गुना, मतलब गुना हो, मतलब 12 पचे 12 सते कुछ गुना होगा, जो 12 सते हो वो 15 तिया हो सकता है, वो 18 दुनी हो सकता है ना, पर ये तीनों का मल्टीपल होगा, ठीक है, मतलब 12 मिनट में बनने वाला हो सकता है, उस समय 10 बार बज चुका होगा पहले से, और 11वीं बार जाके सबके साथ बज रहा है ना, 15 मिनट में बजने वाला हो सकता है 4 बार बज गया हो पहले से, 5वीं बार जाके बज रहा है, तो ऐसे करना, तो इसे ऐसे सिंपल सी बात है, इन सभी का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है ना, तो 12 का हो गया 3 × 2² 15 हो गया 3 × 5 और ये हो गया 18 था 3² × 2 लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे नहीं, हाईएस्ट पावर लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता उसको लिखते, पहले तो 5 कॉमन नहीं है तो उसको लिख दिया, 2 का हाईएस्ट स्क्वायर 2² और 3 का हाईएस्ट 3² ये 5ों का 20 है और 9 180 आ गया, ठीक ना, 180 हो गया, अब इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इसका देखिए 180 वो सबसे कम नंबर है जो 18 से भी डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है और 12 से डिविजिबल है, फर्क ये है कि 12 का बहुत गुना है, 15 का ये 12 गुना है और 12 का ये हो गया 12 25 ये 15 गुना है, 12 का 15 गुना है, 15 का ये 12 गुना और 18 का 10 गुना है, मतलब 18 मिनट में बजने वाला घंटी अभी तक 9 ही बार बजा, 10वीं बार जब वो बज रहा है तो सब 7 बज रहा है, यही इसका कहने का मतलब है, तो एलसीएम इसमें निकालना है, 180 मिनट में वो हो रहा है, मतलब 3 घंटे में हो रहा है, 9 बज रहा था तो 12 बजे फिर से दोपहर में, 9 बजे क्या है सुबह में बज रहा है, 12 बजे जाके सुबह में दोपहर में वो जाके फिर से सब कोई एक साथ बजेगा। 25वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे करना कुछ नहीं है, इसको ऐसे लिख दीजिए, ये ऐसे है तो इसको ऐसे कीजिए, तो इसको ऐसे लिखे 13 है, 13 + 1/6 तो 6 तो होगा ही, इसको 13 को क्या करते 12 + 1/6 कर दीजिए, ठीक, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 7/6 है ना, तो 12 से 12 तो हो गया इक्वल, ये वैल्यू हो गया 7/6 है ना, मतलब देखिए तो नहीं समझ में आया तो ऐसे देख लीजिए, 12 था + 1/6 इधर 13 1/6 था, 13 को 1/6 को लिखिए ऐसे, 13 + इसका मतलब ये यही होता है, 13 1/6 का मतलब होता है 13 1/6 ऐसे होता है, अब 13 को ऐसे कर दीजिए 12 + 1 + 1/6 तो ये कर दीजिए 12 + इसको सॉल्व कीजिए 7/6 आ जाएगा, ठीक, तो 12 इधर 12 + इधर तो ये क्या हो जाएगा 1 7 हो जाएगा, है ना, ये मैंने बोला था उसमें 7, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, 11 का स्क्वायर है 121 तो 12 20 का स्क्वायर 400 है ना, दो दूसरा हो जाएगा 11 121 किसका 11 का स्क्वायर है तो हमें 20 का स्क्वायर करना पड़ता है 400 होता है, दी गई उत्तर आपके मुझसे उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति नहीं तो है ना, ये जेड ये वाला किसमें होगा, तो यहाँ पे है देखिए ऐसे ऐसे करके ऐसे है ना, ठीक है ना, इधर भी हो जाएगा ऐसे, उधर नहीं आएगा मेनली इधर ही आएगा ऐसे करके ऐसे, तो चौथा नंबर हो जाएगा, प्लस माइनस ऐसे कर देना रिप्लेस, और 54 को क्या किया प्लस को कर दिया इनटू, तो ये इनटू कर देता है, फिर क्या किया माइनस का अर्थ है डिवीजन, तो डिवीजन कर देते हैं यहाँ पे डिवीजन, और डिवीजन को क्या कर दिया इसने, डिवीजन को कर दिया प्लस, फिर इनटू को कर दिया इसने माइनस, तो इसको सॉल्व करना है, पहले किसको सॉल्व करेंगे हम,
डिवीजन को, तो ये डिवीजन है। फिर 3/6 डिवीजन नहीं हुआ तो 54/7 में इंटू कर देते, 54 × 3/6 यहीं पे कर देते हैं, 9×6=54, 9×3=27। ठीक, तो क्या आ जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेप में, ये हो जाएगा 27, ये सब कितना जाएगा 27 हो जाएगा, +2 − 6 + 2 − 6, तो 27 + 2 = 29 हो जाएगा, 29 − 6 = 23 आ जाएगा आंसर, चौथा नंबर। 29वां क्वेश्चन है, प्लस चिन्ह पे नंबर लिखना है ना, तीनों को सम कीजिए, यहाँ तो दिख रहा 7×4=11 + 5=16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 हो गया, 6×3=9 + 8=17 हो गया, सही बात है। तो यहाँ पे देखिए 9×4=13 + 8=21 हो जाएगा, तो यहाँ 21 हो जाएगा आंसर, एक नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन था, 30वां क्वेश्चन है, यहाँ पे एरो है, यहाँ पे एरो हो जा रहा है, ठीक, ये दोनों अल्ला बल्ली हो जा रहा है, हो जाएगा, फिर क्या हो गया, फिर यहाँ पे आ गया ये, ठीक, फिर नीचे अल्ला बल्ली हो गया, पोजीशन अल्ला बल्ली हो गया, फिर क्या होगा, ये ऊपर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर अल्ला बल्ली हो जाएगा, मतलब ऊपर स्क्वायर वाला ऊपर आ जाएगा मुंह वाला, और सर्किल वाला इधर नीचे आ जाएगा, स्क्वायर वाला ऊपर आ जाएगा और सर्किल वाला नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर अदला बदल जाएगा, बिल्कुल सही है, ये आंसर हो जाएगा इसका, आपने समझा। देखिए ये एरो है ऐसे, फिर एरो यहाँ पे आ जा रहा है, फिर एरो ऊपर चला जा रहा है, फिर एरो नीचे आ रहा है, फिर ऊपर हुआ, ये दोनों का पोजीशन तो समझ में आ गया, फिर बचा स्क्वायर का, ये दोनों का क्या है, ये दोनों ऊपर गया भी, ये दोनों एक साथ ऊपर जा रहा और अदला बदली हो जा रहा, जो स्क्वायर है वो ऊपर में स्क्वायर हो जा रहा, सर्किल वाला मुँह वाला नीचे हो जा रहा, ठीक ना, यानी सर्किल इधर आया तो नीचे आ गया, फिर ऊपर आ गया, ठीक, फिर उसके बाद नीचे आ जाएगा, तो यही हो रहा है इसमें। 31वां क्वेश्चन है, घड़ी समय बताता है, पंचांग क्या तिथि बताता है ना, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 31 का दूसरा ऑप्शन, चार आकृति दी गई जिनमें 3 एक गुण के, तो भिन्न जो है उसको हटाना है। अब देखिए सब में एरो के आगे, एरो के आगे ऐसे है, इस सब में, इस सब में, इसमें, और इसमें नहीं है, तो ये अलग है, कौन सा आएगा, ठीक ना, देखिए इसको, देखिए एल के बाद एल एम एन ओ, फिर यहाँ पे देखिए उल्टा हो रहा है एल एम एन ओ, ठीक, फिर यहाँ पे उल्टा होगा एल एम एन ओ, फिर यहाँ पे उल्टा एल एम एन ओ, मतलब एक ऐसे जा रहा है एल एम एन ओ, फिर उसके बाद ऐसे आ रहा है एल एम एन ओ, ऐसे ऐसे करके हो रहा है, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या हो गया एल एम एन ओ, फिर एल एम एन ओ, एल एम एन ओ, ये सॉरी, हाँ एल एम यहाँ पे गलत हो गया, एल एम एन ओ, फिर ना एल एम एन ओ, तो एम एन एल ओ इसका आंसर हो जाएगा, एक नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 31वां एक विशेष कोड का भाषा में माइंड है रियलिस्ट, ठीक ना, तो देखिए एम एन ओ पी, एम एन एम एन ओ पी, ठीक ना, दो को छोड़ दिया फिर लिख दिया डी ई एफ, दो को छोड़ दिया जी लिख दिया, मतलब शुरू वाला भी पक्का दो को छोड़ रहा है, लास्ट वाला भी छोड़ रहा है, बीच का चेक करने का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, कर सकते हैं दो ही हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली दो ही होगा, ऐसा नहीं कि बीच में कुछ भी हो सकता है, पर अब भी यहाँ पर देखिए दो दो वाला अगर शुरू शुरू अंतर एक ही ऑप्शन बनना है तो उसी को करके निकलिए, यहाँ पर ओ डी एन एच है, ओ डी एम एच है, तो दो दो शुरू और लास्ट वाला भी सेम है, तो आपको बीच वाला भी एक बार देख लेना सही रहेगा, लास्ट वाला ओ आर एच दो ऑप्शन है, इसलिए बीच वाला देख ही लीजिए, आई जे के दो छोड़ दिया फिर एल, मतलब कि बीच में भी दो ही छोड़ा है, सब जगह दो ही छोड़ा, एन ओ टी क्यू, मतलब हर जगह दो दो छोड़ा है ना, हर एक डिजिट को दो छोड़ दिया, तो एल को किस प्रकार लिखा जाएगा, एल एम एन ओ लिख दिया, ई एफ जी एच लिख दिया, ठीक ना, ए बी सी डी लिख दिया, सही बात है, के एल एम एन लिख दिया, तो एक नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ई ए का बेटा है 35वां क्वेश्चन, बेटा है मेरा, बेटा है ई ए का बेटा है, ए जो है ना इसका बेटा है ई, ठीक, ई बुआ है, बुआ, ठीक,
डी बी का बेटा डी है ना, जो बी का बेटा, डी डी बी का बेटा मतलब बॉ। ठीक, ई का विवाह सी से हुआ है, अब ई का विवाह सी से हो गया। ठीक, ये गर्ल है और वाइफ है। सी बी की बेटी है, सी जो है ना बी की बेटी है। यहाँ एक रिलेशन निकाल के रख दीजिए, सी जो है ना बी की बेटी है। ठीक, सी बी की बेटी है। बताएं कि डी का ई से क्या रिश्ता है, डी का ई से क्या रिश्ता है। अब देखिए डी और ई का क्या रिलेशन, देखिए ये इसका बेटा था, डी जो है ना बी का बेटा है, बेटा बेटा है, और ये वाइफ है इसकी, ई बेटा था, ये इसकी बहन थी, ये अब बहन का ये हस्बैंड हुआ। ये तो बहन का हस्बैंड को क्या बोलते हैं, दामाद बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया देख लीजिए, ब्रदर इन लॉ दिया है क्या, बहनोई साला, ससुर भाई अंकल, तो यहाँ पर डी ना ई डी का साला हो गया है ना, क्योंकि डी क्या है, इसका बेटा था और इसकी बेटी थी। सी की पापा या मम्मी हुई बी, और सी के गार्जियन हुए बी, तो दोनों सी और डी भाई बहन का रिलेशन हुआ। ठीक, और उसके दामाद हुए तो साला हो गया वो। 36वां क्वेश्चन, यदि पारदर्शी कागज पर बनी आकृति एक्स को बिंदु अब देखिए, पारदर्शी कागज पर बनी आकृति एक्स को बिंदु रेखा के आधार पर मोड़ा जाए तो क्या दिया, अब इसको आप मोड़ रहे हैं ना, इसको मोड़ रहे हैं मतलब इसको सपोज कीजिए ऐसे मोड़े आपने। ठीक, पहले इधर मोड़ दिए, फिर उसको ऐसे मोड़ दिए, इधर मोड़ेंगे तो क्या होगा, ऐसा ही हो जाएगा। इधर मोड़ने पे सपोज कीजिए कागज ऐसे मोड़े पहले, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा फोटो बन जाएगा इस पर। फिर इसको आप ऊपर मोड़िएगा तो क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा, ऐसे इस साइड वाला, मतलब ऐसे इस साइड वाला। समझ में आया आप, नहीं समझ में आया तो और अच्छा, इस कागज को इस लाइन के क्रॉस ऐसे मोड़ रहे हैं ना, इस साइड में मोड़ रहे हैं, इस साइड में, तो ये क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, और ये वाला ऐसे वाला पेंटिंग हो जाएगा ना, ये पेंटिंग इधर वाला हो जाएगा। फिर इसको आप ऐसे मोड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे, तो इसके क्रॉस ऐसे मोड़ रहे हैं ना, तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये वाला भाग ऊपर चला जाएगा ऐसे, और ये वाला भाग नीचे, ये था ऐसे 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 पेंटिंग, ये वाला भाग नीचे रहेगा और ये वाला भाग ऊपर चला जाएगा। ठीक, और ये पेंटिंग ऐसे ही रहेगा, तो यही आंसर हो गया इसका, आपका 3 नंबर इसका आंसर हो गया। अब देखिए 37वां क्वेश्चन है, एस प्लस वन कीजिए तो टी आ जाएगा, जी प्लस एच कीजिए प्लस वन इधर कीजिए, ऐसे इधर एक बार गया, फिर ए के बाद बी इधर आया, फिर क्यू के बाद आर इधर गया, फिर एफ इधर आया है ना, ई के बाद एफ इधर आया, तो कहने मतलब पहले एम इधर जाएगा फिर ए से इधर आएगा, तो मतलब जेड इधर आएगा, एम से एन हो जाएगा, एन जेड है, एन जेड है, ये भी है। अच्छा ठीक है, तो एल के बाद एल इधर जाएगा, एल इधर, तो एम बन जाएगा, ई इधर आएगा तो इधर डी से ई आ रहा होगा है ना, तो डी से इधर आ जाएगा होगा, मतलब क्या कर रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर से नेक्स्ट नंबर इधर आ रहा है ना, एल के बाद इधर जाएगा, एक एल प्लस एम हो जाएगा और एक इधर आ जाएगा, एक बिना एक पंक्ति के दोनों छोरों के 20वें स्थान पर है, कितनी व्यक्ति, देखिए आपको समझना है
समझिए, अदरवाइज इसमें 20 प्लस 20 40 माइनस 1 करना पड़ता है 49। देख लीजिए आप समझ लीजिए, चार नंबर में चार लोग हैं, यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 चार लोग हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी है, इसका इधर से पोजीशन क्या बोलेंगे, दूसरे नंबर पे है वो, सेकंड नंबर पे, और इधर से क्या बोलेंगे, ये तीसरे नंबर पे है। तो 3 + 2 कीजिए 5 आ जाता है, तो 5 आदमी थोड़े हैं, 4 आदमी, तो 5 - 1 करता है। तो ऐसे ही कोई है कि 20वें पोजीशन है दोनों साइड से, दोनों साइड से 20वें पोजीशन बोला जा रहा है कि इधर से भी 20वां इधर से भी 20वां, तो मतलब 40 माँ बोला जा रहा है, पर 40 थोड़े हुए, 40 - 1 हुए टोटल, 39 लोग हुए। आज बुधवार है, 84 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, अब देखिए 84 दिन बाद आपको निकालना है। तो 84 को 7 से पहले डिवाइड कीजिए, तो 7 आ जाता है, ये तो पूरा डिविजिबल है, 7 से 12 से तो 84 होता है, पूरा डिविजिबल है आपका, ठीक। अब पूरा डिविजिबल है मतलब कि 7 पूरा जो बुध है 84 दिनों के बाद क्या आएगा, 84 दिनों के बाद क्या आएगा, तो 84वां दिन क्या हो जाएगा, बुधवार है तो गुरुवार ये आएगा, 84वां दिन आएगा, 84वां दिन आ जाएगा आपका, कोई डिविजिबल है ना, तो आपका आ जाएगा ये एक दिन पहले मंगलवार आ जाएगा। तो 84 दिन के बाद कौन सा आएगा, तो वो फिर से बुधवार आ जाएगा। आपको ये नहीं समझ में आए तो देख सकते हैं, देखिए संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। अब देखिए संडे को मान लीजिए पहला दिन है, ठीक, बुधवार है, सपोज कीजिए बुधवार है, तो फिर आपको नेक्स्ट बुधवार कब आने वाला है, ठीक ना, आप सॉरी ये संडे है, संडे को आ गया पहला, सॉरी संडे से मान लीजिए 8वां दिन कौन सा होगा, ठीक ना, तो 7वां दिन कौन सा होगा, 7वां को आपने क्या किया है, डिवाइड बाई 7 किया, तो 1 0 आ गया, तो मतलब कि एक दिन पहले हो जाएगा, पहले दिन आपने लिया है संडे को, तो फिर 7वां दिन अगला कौन सा होगा, इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे 1 हो गया, तो अब एक दिन मंडे आ गया, 2 दिन में ट्यूसडे आ गया, 3 दिन में वेडनेसडे आ गया, 4 दिन में थर्सडे आ गया, 5 दिन में फ्राइडे आ गया, 6 दिन में सैटरडे आ गया, फिर 7वें दिन जाके फिर से ये आ रहा है संडे आ रहा है, ठीक ना। इसमें क्या किया ना आपने, संडे को छोड़ दिया, पर उसको भी काउंट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आज पहला दिन है, मतलब आज पहले दिन से स्टार्ट कीजिए, संडे आ गया मंडे, तो टोटल 7वें दिन कौन सा है, 7वें दिन आ रहा है आपका सैटरडे आ रहा है यहाँ पर, ठीक, एक दिन पहले आ रहा है, संडे से स्टार्ट किया आप, संडे से ही स्टार्ट करेंगे ना, एक वहीं से ले रहे हैं, संडे से लेंगे, तो 7वें दिन आपका क्या आ रहा है, सैटरडे आ रहा है, मतलब एक पहले ही आ रहा है। ऐसे ही हमने क्या किया, 84 क्योंकि 7 से डिविजिबल है, इसलिए 84 ना बुधवार से पहले आएगा, मंगलवार को आ जाएगा, ठीक। 39 का क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने पुस्तक या तो पुरानी या ऐतिहासिक है, परंतु दोनों नहीं है, पुरानी होने चाहिए ऐतिहासिक होने चाहिए, पर दोनों नहीं होने चाहिए, या तो पुरानी है या ऐतिहासिक, देखिए पुस्तक है पुरानी और ऐतिहासिक इधर इधर है, पुस्तक होनी चाहिए और क्या पुरानी है या ऐतिहासिक, परंतु दोनों नहीं है, देखिए ये पुरानी है और ये ऐतिहासिक, और ये जो है ना ये दोनों है पुस्तक की कैटेगरी में, ठीक ना, टोटल ये पुस्तक है, ठीक, उसके अंदर में ये भाग है ये भाग है ये भाग है ये भाग है, चार भाग में इसको डिवाइड कर दिया है इन्होंने, ये जो है ना ये पुरानी है, ये भी पुरानी है, पर फर्क है कि ये ऐतिहासिक में भी आ गया, क्योंकि इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, ऐतिहासिक में आ रहा है, पर हमें वो नहीं लेना, क्योंकि या तो पुरानी लेना है या तो ऐतिहासिक लेना, तो 92 + 97 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ये था आपका 19वां सेट का 40 क्वेश्चन, ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चन और भी सेट बना दिए गए इस चैनल पे, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट कीजिए, हम पूरी तरह से आपकी हेल्प करने के लिए हैं यहाँ पर। आपको कोई भी डाउट हो रहा, कुछ समझने में या कुछ गलती भी लगना है तो भी कमेंट कीजिए नीचे, ऐसे ही और भी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया जाएगा। आप कोई भी दूसरे इंस्टीट्यूशन का तो दूसरे पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया जाएगा इस चैनल पर, हमारे साथ बने रहें अंत तक। चैनल को सब शेयर कीजिए, ज़रूर कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।